हेलो स्टूडेंट्स, कल हम क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेंट्स मेथड डिस्कस कर रहे थे और कल हमने ये देखा कि गिवन इक्वेशन हमें यदि ये है तो हम जेड इक्वल्स टू ये लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तब हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये कोफिशियंट्स आते हैं और इन दोनों कोफिशियंट से कल हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी जिसके की रूट्स यू और वी है, जहां यू और वी की वैल्यूज को हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास यू आ जाता है माइनस जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यू बाई टू और वी आ जाता है माइनस जी प्लस माइनस एक्स। अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। उसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इसके क्या पॉसिबिलिटीज है, एदर दिस इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यू, अब हम इससे इसको देखें, इसके जो डिफरेंट केसेस हैं उसमें फर्स्ट कि जब ये फर्स्ट केस को ले लेते हैं जबकि ये पॉजिटिव हो, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो यू और वी की डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी और रियल वैल्यूज होंगी। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो यू और वी रियल भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब यहां पर हमने ये रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, जब यू और वी रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो उस केस में इसके जो रूट्स हैं उनको हम फाइंड आउट करें। यू और वी को हमें चाहिए क्या, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने माना है जेड बराबर यू टू दी पावर वन बाई थ्री डी बाई टू दी पावर वन बाई थ्री, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो जेड की तीन वैल्यूज हमारे पास आएंगी और वो तीनों वैल्यूज यू और वी पे डिपेंड करेंगी। यहां पर हम यू टू दी पावर, ये यू की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है और यहां पर जब हम यू की यू टू दी पावर वन बाई थ्री हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो इसको भी यहां हम देखते हैं कि क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है यू का, तो तीन वैल्यूज आएंगी। जैसा कि हम जानते हैं जो तीन वैल्यूज होंगी वो यू ओमेगा यू और ओमेगा स्क्वायर यू होंगी और वी की भी तीन वैल्यूज होंगी। यहां से जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो वी ओमेगा स्क्वायर वी वैल्यूज होंगी। अब ये तो हमें पता ही है जेड की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के क्यूब रूट के सम के बराबर आएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस केस के अंदर कि जब यू और वी रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो उस केस में क्या होगा, ये भी इमेजिनरी होगा, ये भी इमेजिनरी होगा, क्योंकि ओमेगा क्या है, ओमेगा क्यूब बराबर वन है और ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, उसकी वैल्यू हम जानते हैं, उसकी वैल्यू होती है माइनस वन बाई टू प्लस माइनस आईटा रूट थ्री। तो प्लस तो होती है ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन माइनस आईटा रूट थ्री बाई टू। तो यहां हम ये देखते हैं कि यू और वी दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है तो उस केस में एक एक वैल्यूज तो इनकी रियल होगी, जब ये दोनों रियल होंगे तो इनका हम कॉम्बिनेशन ले लें और बाकी के जो दो रूट है, क्योंकि ये भी इमेजिनरी रूट है, 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 तो जब यू और वी रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो उस केस में क्यूब रूट ऑफ यू एंड वी में एक वैल्यू तो रियल होती है और दो वैल्यूज इमेजिनरी होती है। दूसरा केस हम ले लें, जबकि जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यूब इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो यू और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी भी प्योरली रियल आती है और दोनों के दोनों इक्वल आ जाती है। तो जब जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यूब जीरो हो रहा है तो यू बराबर वी आ जाता है और यू बराबर वी बराबर माइनस जी बाई टू होता है, रियल होता है और
जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या हो जाते हैं रूट्स। इसमें हम एक बात और देखें, क्योंकि जब हम इसको, चलो इस केस को डिस्कस करते हैं, जब यू बराबर वी हो जाता है तो उस केस में हमारे पास, क्योंकि हम इसका एक रिलेशन और जानते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो होता है, और हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, यू टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वी बाई वन बाई थ्री। और हमने कल एक और चीज, पिछले लेक्चर में एक और चीज डिस्कस की थी कि ये जो सोल्यूशन है इनका जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है, वो कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है यू प्लस वी ओमेगा यू प्लस ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा स्क्वायर यू प्लस ओमेगा वी। क्योंकि कॉम्बिनेशन को जेड इक्वल्स टू यू टू पावर वन बाई थ्री और वी बाई वन बाई थ्री, तो क्यूब रूट में इसके भी ये तीन कॉम्बिनेशन है, इसके भी ये तीन कॉम्बिनेशन है, तो जो टोटल पॉसिबल सोल्यूशन है वो नाइन होते हैं। पर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे यू टू दी पावर वन बाई थ्री वी टू दी पावर वन बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस एच को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले केवल ये तीन ही सॉल्यूशंस होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारे तीन ही सॉल्यूशंस होते हैं, अब हम इन तीनों सॉल्यूशंस को यहाँ लिखते हैं कि यू प्लस वी ओमेगा यू प्लस ओमेगा स्क्वायर वी और ओमेगा स्क्वायर यू प्लस ओमेगा वी, ये हमारे पास सॉल्यूशंस है। तो जब u और v रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हमारे पास एक रियल सॉल्यूशन आता है, दो इमेजिनरी सॉल्यूशंस आते हैं। और सेकंड केस में जबकि g स्क्वायर प्लस 4h³ इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में u बराबर v आ जाता है, उसकी वैल्यू माइनस g बाई 2 के होती है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 2u, यहाँ पर u और v बराबर है तो कॉमन ले लिया हमने u, तो बीच में आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। पर अभी हमने जैसा देखा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, यानी ये माइनस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ u हो जाएगी। इसी तरीके से u और v बराबर है तो जो सॉल्यूशन है वो माइनस u हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब g स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू 0 होती है और तब u और v बराबर हो जाता है, और जो z की वैल्यू होती है वो 2u माइनस u माइनस u हो जाती है। इसी तरीके से जब g और h दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, तो g और h दोनों की वैल्यू 0 हो जाने के ऊपर इक्वेशन हमारे पास z क्यूब बराबर 0 हो जाती है, तो जो जो सॉल्यूशन है वो जब g भी 0 हो और h भी 0 हो, ये जब हम केस डिस्कस कर रहे हैं जबकि g इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि k भी 0 हो गया और g भी 0 हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, u और v की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ हमने ये जो केस डिस्कस किया है वो g नॉट इक्वल टू 0 पे डिस्कस कर रहे हैं। और जब g की वैल्यू भी 0 हो जाए, h की भी वैल्यू 0 हो जाए, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो z क्यूब बराबर 0 आ जाती है, यानी तीनों रूट्स 0 हो जाते हैं। और जो फोर्थ केस है, जबकि g स्क्वायर प्लस 4h³ नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में कि ये जो रूट्स है वो इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। और इमेजिनरी रूट्स के लिए हम जानते हैं कि जब रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, यानी हम u को लिख लें a प्लस आयोटा b और u टू दी पावर 1 बाई 3 इसकी पावर 1 बाई 3 हो गई, और इमेजिनरी रूट्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम a को r cos थीटा b को r sin थीटा रख के सिंप्लीफाई करके फिर क्यूब रूट्स उनके फाइंड आउट करके और फिर हम उन वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम इस तरीके से इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक दो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं और एक दो प्रॉब्लम लेकर के और फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसमें पहली प्रॉब्लम लेते हैं हम, x³
माइनस 15 एक्स माइनस 126 इक्वल्स टू जीरो। हमें इसको कार्डन्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा, कार्डन्स मेथड से सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे वो थी जेड क्यू प्लस 3 एच जेड प्लस जी इक्वल्स टू जीरो। इसमें लीडिंग कोफिशियंट हमेशा वन होना चाहिए, सेकेंड टर्म हमेशा एबसेंट होनी चाहिए, और ये जो कोफिशियंट्स है ये इंटीजर्स को जो इंटीग्रल वैल्यूज इनकी होनी चाहिए। इन बातों को हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लीडिंग कोफिशियंट भी वन है। यदि लीडिंग कोफिशियंट वन नहीं है तो हम उसको लीडिंग कोफिशियंट को वन बना सकते हैं, वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में देखा था। सेकेंड टर्म यहाँ पे एबसेंट है, यदि नहीं है तो उसको हम एबसेंट कर सकते हैं। और फिर ये जो वैल्यूज कोफिशियंट्स हैं ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं, यदि ये नहीं है तो भी इनको हम एन की इंक्रीजिंग पावर से करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनकी इंटीग्रल पावर्स को भी ला सकते हैं। तो ये हमें पता है, ये इसी फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, ये कार्डन्स मेथड यूज करने के लिए जो भी कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ हम कार्डन्स मेथड को अप्लाई करने के लिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं एक्स इक्वल्स टू यू की पावर वन बाई थ्री प्लस वी की पावर वन बाई थ्री। अब इसका क्यूब कर दें तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा यू प्लस वी प्लस टू यू वी और इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3 यू टू दी पावर 1 बाई 3 वी टू दी पावर 1 बाई 3 एक्स माइनस यू प्लस वी इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 3 यू टू दी पावर 1 बाई 3 1 बाई और ये आ जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगा माइनस 126 इक्वल्स टू माइनस यू प्लस वी। हम उसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है यू टू द पावर 3 वी टू द पावर 1 बाई 3 इक्वल्स टू 5 दिस इंप्लाइज यू वी इक्वल्स टू 125 एंड यू प्लस वी इक्वल्स टू 126। इससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में बनेगी वो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 126 टी प्लस 125 टू जीरो। और अब हम इस इक्वेशन को फैक्टर्स कर लें तो हमारे पास आ जाएगा टी माइनस 125 टी माइनस टी प्लस 125 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज टी माइनस 125 टी माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज टी इक्वल्स टू 1 एंड 125। दैट इज हमारे पास u की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 125। तो u टू द पावर 1 बाई 3 आ गया हमारे पास 1 एंड b टू द पावर 1 बाई 3 बराबर आ गया हमारे पास 5। Therefore, solutions of this equation are, first is 1 plus 5, u to the power 1 by 3 plus v to the power 1 by 3. Second is omega u to the power 1 by 3 plus omega square 5 और दूसरा हो जाएगा omega square इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 5। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन के जो तीन रूट्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 6। अब ओमेगा और ओमेगा इस पर की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 इंटू 5। हमने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और तीसरा जो रूट है वो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 प्लस
ये तीनों इसके सॉल्यूशन हो गए। तो कार्डन मेथड विधि इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है। इस फॉर्म में जेड यू प्लस थ्री एच जेड प्लस जी डी प्लस टू जीरो। तो इसके लिए एक ही चीज जरूरी है, एक लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी हो, सेकंड टर्म एब्सेंट हो और जो भी कोफिशिएंट्स है वो इंटीग्रल फॉर्म में हो। अब हम रिमेनिंग जो थ्री केसेस है, यहाँ हमने देखा कि जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यू इसकी वैल्यू यहाँ पर ये बहुत आसानी से निकाल दिया कि यहाँ पे यू और वी दोनों की वैल्यू रियल वैल्यूज आई है, रियल और डिस्टिंक्ट है। तो ये हमने जो केस डिस्कस किया है वो पहला केस डिस्कस किया था जिसके अंदर की डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। कल हम बाकी के जो केसेस है जिसमें जी स्क्वायर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो होगा या नेगेटिव होगा या लीडिंग कोफिशिएंट वन नहीं होगा, उन सब रिमेनिंग केसेस को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।